Welcome back to Bankrupt Beds. They say the best way to know your future is to create it. I truly believe in that too. Only your karma will take you safely and make your future bright. But some people believe in the power of planet and the placement star. Is this a myth or is there any truth behind it? Let's find out a little bit more about this from our Vedic science expert and our mythbuster, Mr. Simon King. Namaskar. देखती आँखों को सुनते कालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ साइमन सैनी ऑस्ट्रेलिया से और 25 साल से मेरा एक्सपीरियंस है वैदिक साइंस में। आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। So today, Mr. Saini, we're going to talk about Vedic science. A lot of people discard the belief of Vedic science. Why do you think this is true? Vedic science बहुत highly educated science है, लेकिन कुछ चंद लोगों ने इसको बिजनेस बनाकर इसके अंदर पैसों के और बिजनेस के हिसाब से अपने हिसाब से इस साइंस को लेना शुरू कर दिया है, जिससे क्या है कि लोग इस सब्जेक्ट से दूर हटते जा रहे हैं, उन पर विश्वास हटता जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है समझाना मेरे प्रिय दर्शकों को कि वैदिक साइंस के अंदर और जो दूसरे लोग उसको बिजनेस बनाकर उसको समझाते हैं उसमें कितना फर्क है। देखिए, आपके सामने कबीर जी ने कितना अच्छा दोहा बोला है, मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ से भेड़ न बैकुंठ जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, तात्पर्य ये है कि सिर मुड़वाने से, अगर आपको बोल दिया कि आप सिर मुड़वाए आपको ये चीज़ प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सिर मुड़वाने से अगर भगवान मिलते हैं, बैकुंठ मिलता है, तो भेड़ को तो 3 बार मुड़वाया जाता है साल में, तो उसको तो स्लॉटर ही किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस साइंस के ऊपर विश्वास रख के चलें और गाइड करने वाले अगर वैदिक साइंस के हिसाब से अगर गाइड करते हैं तो बहुत अच्छा है। वैदिक साइंस जो है ये एस्ट्रोनॉमी से लिंक करती है, टोटल एस्ट्रोनॉमी है, इट्स ए टोटली प्योर साइंस। ये स्टार्स एंड प्लैनेट्स की जो साइंस है, ये 12 के 12 12 जो साइंस हैं और 9 प्लैनेट्स हैं, इसी को लिया जाता है। ये टोटल जो हैं यूनिवर्स से लिंक करते हैं, इनकी कॉस्मिक पावर जो है वो यूज़ होती है वैदिक साइंस। So, Mr. Saini, does it really affect our lives? वैदिक साइंस के अंदर जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं वो ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जितने जो प्लैनेट्स हैं सारे वर्ल्ड के अंदर प्लैनेट्स तो सेम ही रहेंगे ना, होल वर्ल्ड विल से सन इज अ सन, मून इज अ मून। तो मून, सन, मार्स, वो तो सभी को मालूम है, वो तो सेम ही है। इनका इफेक्ट्स ह्यूमन के ऊपर कैसे है ये सोचने वाली बात है। इसमें ये है कि जो सन है, अब सन के बारे में ये कहा जाता है, अच्छा सन में बैठा करो भाई, विटामिन डी मिलेगा। तो भाई ये कैसे है, बट इज ए प्रूवन, सन से ही विटामिन डी मिलता है। मून सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट है अर्थ के ऊपर, जो हमारे माइंड एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है, और मून इतना इफेक्टिव है कि हर 15 से 20 दिन के अंदर और 1 महीने के अंदर जैसे ही चेंज होता है तो फुल मून के ऊपर क्या है कि टाइड्स जो हैं वो एकदम ऊपर हो जाती है, 8-8 मीटर तक टाइड्स आ जाती हैं। तो इसी तरह मून भी इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी के ऊपर करता है, जैसे मार्स है। अब मार्स का क्या इफेक्ट है, मार्स भी अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, अवे फ्रॉम अर्थ, लेकिन अर्थ के सराउंडिंग जो इसकी मोमेंट है वो 30 से 40 डेज की है, और मार्स इज़ अ फायरी प्लैनेट है। अब फायरी प्लैनेट, रेड एंड फायरी, मार्स को बोला जाता है रेड एंड फायरी, बट रेड एंड फायरी आर्यंस एंड द्रविड्स ने इस खोज को हजारों साल पहले बता दिया था कि मार्स इज़ अ रेड एंड फायरी। आज जाकर अमेरिका ने रिसर्च प्रूव किया है कि मार्स रेड एंड फायरी, इट मींस दिस अ प्रूवन साइंस। और ये कैसे इफेक्ट करता है, मार्स इज अ फायरी लाइक ए सन, मार्स एग्रेशन। किसी भी चार्ट के अंदर जब एरेटिक करते हैं चार्ट को, किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ लेकर जब चार्ट को देखते हैं तो मार्स जो है वो एग्रेसिव नेचर का बना रहे। इसी तरह मर्करी के ऊपर अगर चलते हैं तो मर्करी पूरे यूनिवर्स में कम्युनिकेटर है, हमारी जो बात करने की जो शक्ति है वो मरकरी से है। मरकरी जो है अर्थ के चारों तरफ वही 27 से 30 डेज के अंदर एक रिवॉल्विंग राउंड लेता है, और मरकरी कम्युनिकेटर है, और पूरे यूनिवर्स के अंदर मरकरी का जो रोल है वो जितने भी शेयर मार्केट और बातचीत करने वाले जो भी प्रोफेशंस हैं वो मरकरी से रिलेटेड हैं।
अगर किसी भी चार्ट के अंदर मर्करी वीक रहे तो आदमी अच्छा से बातचीत करने वाला नहीं होता। अगर मर्करी बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी वो बातचीत कर सकता है और मर्करी वाला बहुत अच्छे से ट्रेडिंग भी कर सकता है। ट्रेडिंग करना इधर से माल लेना, इधर से खरीदना, इधर से बेचना, जैसे बिजनेस। बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, बिजनेस एक इंसान को अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए मर्करी बहुत जरूरी है। सन साइन और मून साइन क्या है? शीतल जी, सन साइन और मून साइन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जितना वेस्टर्न कल्चर वैदिक साइंस को जो बिलीव करते हैं वो कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू सन करते हैं, जो एशियन कल्चर है उस वैदिक साइंस के अंदर मून से कैलकुलेशन करते हैं। तो मून वैदिक साइंस में एशियन कल्चर उस पर बिलीव करता है, लेकिन बात कैलकुलेशन की है, वैदिक साइंस में कैलकुलेशन सिमिलर है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अब साइंस मैन के बारे में हम बात करते हैं, 12 साइन है, एरी से लेकर पाइसिस तक 12 साइन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं दर्शकों के लिए भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये 12 ही साइन क्यों है। तो 12 साइन पूरे, जब वैदिक साइंस में जब रिसर्च स्टार्ट करी तो एरी से पाइसिस को 12 हिस्सों में, पूरे यूनिवर्स को 12 हिस्सों में बांट दिया, जिस तरह किसी सिटी को हम 12 हिस्सों में अलग अलग स्टेट्स के अंदर या अलग अलग प्रोविंस के अंदर बांट दें तो वो तो स्टैंड स्टिल रहेंगी ना। अब एरी से पाइसिस जो है, एरी से अगर टॉरस को लेते हैं तो वो स्टैंड स्टिल है, वो आपका एक क्षेत्र है, स्थान है। अब उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं, वो जो मूवमेंट है, प्लैनेट्स कभी नहीं रुकते। आप समझिए कि प्लैनेट्स जो है ये हमारी चलती फिरती कार है, ठीक है। एक स्थान से दूसरा स्थान जो है वो माइलस्टोन है, तो माइलस्टोन तो स्थिर ही रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं हो सकते, माइलस्टोन तो अपनी जगह पे रहते हैं। तो कार्स में डिफरेंट प्लैनेट है, कोई लाल रंग की कार है, कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई ग्रीन है, दे आर प्लैनेट्स, दे आर मूविंग। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, कल क्या होगा, हम सबके दिमाग में ये रहता है, हम ये सोचते हैं कि कल क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी मेरे में भी है, मैं भी सोचता हूँ कल क्या होगा, मुझे आज ही पता लग जाए। तो इसके लिए हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर ये बात सोचता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि कल क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर। इसीलिए तो वैदिक साइंस के पास ये लेकर क्वेश्चन आते हैं कि कल क्या होगा, आज ही बता दें। किसी का भी भाग्य और भविष्य और फ्यूचर कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर बोल दें कि मैं जी आपको ये कर दूंगा, 100% एक्यूरेट है, ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ये है कि हम लोग आपको आने वाले कल के बारे में बताकर आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके भेजते हैं। इट्स अ गाइडलाइन है, वैदिक साइंस इज अ गाइडलाइन। और शीतल जी, वैदिक साइंस के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी मैगजीन वैदिक साइंस के कॉलम के बिना पूरी नहीं होती। 12 के 12 साइंस के बारे में लिखा जाता है और सभी बच्चों को, बड़ों को ये प्रयोगी रहती है कि एकदम से कि हम अपना वीक का भविष्य देख लें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सैनी फॉर दैट अमेजिंग इनसाइट टुडे। थैंक यू वेरी मच। Remember everyone, there's only one person who can change your life, and that is you. On that positive note, let's take a short break and we'll see you in a while.